माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल टू माई यूट्यूब चैनल. वी विल स्टार्ट योर अ न्यू लेसन फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज द स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. ओके, दिस इज द 9th चैप्टर फ्रॉम योर 12th सिलेबस, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एंड सीबीएसई, फॉर बोथ. एंड यू कैन take the important points from here which is necessary for your NEET and other board exams. Okay, so let's begin with the new chapter, strategies for enhancement in the food production. Okay, if you listen the name of the chapter, that is the strategies for the enhancement in the food production, then you will understand that ki hum क्या पढ़ने वाले हैं इस लेसन में. ओके, ऑफ कोर्स हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं कि हम फूड प्रोडक्शन एनहांस करने के लिए कौन से स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं नेचुरली. ओके, सो दैट ऑल वी स्टडी इन दिस लेसन. एंड इन द पार्ट फर्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में. ओके, मैं आपको बता दूं कि इस लेसन में हम सबको ये इतने सारे पॉइंट्स स्टडी करने हैं, उसमें का फर्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री. ओके, सो व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? दैट मींस इट इज रेफर्स टू द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड द रेजिंग लाइफ स्टॉक दैट आर यूजफुल टू ह्यूमंस. ओके, एनिमल्स का स्टॉक बढ़ाने के लिए, उनकी केयर करके उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके उनकी सारी देखभाल करना, ये सब हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग. ओके, नाउ आई थिंक दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू, दैट प्लांट ब्रीडिंग. सो स्टूडेंट्स, प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है? इट रेफर्स टू द पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज दैट यू कैन सी हियर. सो हियर व्हाट दे डू, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड प्लांट. ओके, एंड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन, दैट गिव द बेटर यील्ड्स and are disease resistant. ये जो सारी टेक्निक हमने अभी सुनी उसे कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग. इसका मतलब है प्लांट ब्रीडिंग में हम स्टडी करने वाले हैं कि हम कैसे एक पर्पसफुल की इसे ऐसा इस प्लांट को हमें ऐसा मैनिपुलेट करना है, ऐसा पर्पसफुली हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं प्लांट स्पीसीज के, जिसकी वजह से हमें डिजायर्ड प्लांट टाइप्स मिलेगी और बेटर यील्ड्स भी मिलेगी, विच इज द डिजीज रेजिस्टेंट. ओके, सो ये तो हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे प्लांट. उसके बाद का जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल प्रोटीन्स. अभी ये आपको न्यू टर्म है. ओके, इसे शॉर्ट में ऐसा भी कहते हैं कि एससीपी प्रोडक्शन, जो लार्ज स्केल पे भी यूज किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है. तो आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि क्या है सिंगल सेल प्रोटीन. सो सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एनिमल एंड द ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके, आपने पढ़ा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, जो इसी यूनिट का चैप्टर है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में, करेक्ट? उसमें आपने पढ़ा होगा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं मैनकाइंड के लिए. उसे हम हाउस होल में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, फॉर द सीवेज ट्रीटमेंट ऑल्सो, फॉर द बायोगैस प्रोडक्शन ऑल्सो, फॉर द फर्टिलाइजेशन बाई द यूजिंग ऑफ द बायो फर्टिलाइजर्स. ओके, सो ये सब आपने पढ़ा है और ये इस चैप्टर का वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की
लिंक दी हुई है, आप वहां जाके देख सकते हैं ये चैप्टर. ओके, सो आपको पता है नाउ कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं फॉर द डिफरेंट पर्पजेस. ओके, और वो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं, दैट इज द अनदर पॉइंट. ओके, विच कॉज द डिसीज. बट हियर दैट सिंगल सेल प्रोटीन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एनिमल एंड द ह्यूमन न्यूट्रिशन. ओके, दिस इज द सिंगल सेल प्रोटीन. और लास्ट का जो है टिश्यू कल्चर. अब टिश्यू कल्चर ये भी टेक्निक आपके लिए नहीं है. सो क्या है टिश्यू कल्चर? को प्लांट टिश्यू कल्चर ऐसा भी बोला जाता है, विच मीन्स इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ जेनरेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल्स और एनी टिश्यूज और एनी ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इन विट्रो अंडर द स्टराइल कंडीशंस इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया. ओके, आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे एक बॉटल में नीचे एक न्यूट्रन मीडिया प्रोवाइड किया हुआ है और उसके ऊपर ये प्लांट ग्रो हो चुका है. ओके, दैट मीन्स इट इज द इन विट्रो कल्चर इज देयर. सो इसे कहते हैं टिश्यू कल्चर और द प्लांट टिश्यू कल्चर. ओके स्टूडेंट, सो ये सारे टॉपिक्स हम इस पार्ट में स्टडी करने वाले हैं. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर इस चैनल में आप नए हैं और ये वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सारे वीडियोस देख सको और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाए. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट आर दी स्ट्रैटेजीज फॉर द एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन? ओके, अब आपको मतलब तो समझ में आ गया है कि हम यहाँ इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और क्या कर सकते हैं. ऑफकोर्स फॉर द food production and the enhancement of the food, we will use the different type of the ideas, different type of the strategies for the better yield and जिसे हम ज्यादा yield कहेंगे. okay, वो भी अच्छी quality का, उसे कहते हैं strategies for the enhancement in the food production. okay students, so listen carefully. With ever increasing population in the world, the enhancement in the food production is a major necessity. आपको okay, आपको पता है कि कितना population बढ़ रहा है. उस सारे population इतना सारा है तो उन्हें enhancement of food production भी जरूरी है. So इसके लिए जो भी हम strategies use करने वाले हैं, that is the strategies for the enhancement in the food production. The biological principles as applied to the animal husbandry and the plant breeding. Okay, you can see here the plant breeding are also included in this chapter. The animal husbandry is also included in this chapter. So for that all, the plant breeding have the major role in our efforts to increase the food production. So the several new biotransfer technology and tissue culture techniques are going to play a vital role or the pivotal role in the further enhancing the food production. Okay, so हम इस चैप्टर में अब बात करने वाले हैं कैसे एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, कौन से टाइप का एनिमल हस्बेंड्री और द फार्म, डेली फार्म है, पोल्ट्री फार्म है, ये सारा मैनेजमेंट हम इसमें स्टडी करेंगे. उसके साथ ही हम डिफरेंट टेक्निक्स स्टडी करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में. ओके, सो ये तो हुआ पार्ट फर्स्ट, जिसमें मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, सो वेट फॉर द सेकेंड पार्ट एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.